तो वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं व्हाट्सअप के एक न्यू फीचर के बारे में। तो फाइनली गाइज व्हाट्सअप का एक न्यू फीचर आ चुका है। क्या है वो फीचर, इस बारे में बताने वाले हैं और उसको यूज़ कैसे करना है ये भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो गाइज व्हाट्सअप जो हमारा नया फीचर है वो ये है कि जब आप लोग व्हाट्सअप पर स्टेटस लगाते हैं तो वहीं से जो आप लोग स्टेटस आप लोग डायरेक्ट शेयर कर पाएंगे आप इंस्टाग्राम की स्टोरी पर और फेसबुक की स्टोरी पर, यानी आप लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग व्हाट्सअप से डायरेक्टली शेयर कर पाएंगे स्टोरी इंस्टाग्राम पर और फेसबुक स्टोरी पर। तो कैसे इसको यूज़ करना और कैसे उस अपडेट को अपने व्हाट्सअप लाना है इस वीडियो में आप लोग को ये सिखाने वाले। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। उससे पहले क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपली से गाइस करना कि आप लोग जो अपना व्हाट्सअप है सिंपली से पहले प्ले स्टोर पर जाकर अपना जो व्हाट्सअप है उसको पहले अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आप लोग आना है अपडेट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद क्या करना, आप लोग को जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है सिंपली से आप लोग थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेटिंग ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेसी का ऑप्शन, सिंपली से क्या करना आप लोगों को प्राइवेसी के ऑप्शन पे टैप करना है। अब जो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों को स्टेटस आता है यहाँ पे सिंपली से दिख रहा है आप लोगों को स्टेटस, यहाँ पे सिंपली से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है फेसबुक, ठीक है आप लोग का दिख रहा है यहाँ पे फेसबुक, यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो फेसबुक से यहाँ पे लिंक हो रखा है। यहीं पे आप लोगों को सेम इसी तरह आप लोगों को इंस्टाग्राम का भी इसमें आएगा, अभी मेरे अब मोबाइल फोन में नहीं आया है। आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट दिखाया था यहाँ पे साइड में, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों यहाँ पे आ रखा है। तो इसी तरह से आप लोगों का इंस्टाग्राम पे आएगा। अगर आप लोगों को इसको स्टोरी को शेयर करना है सिंपली से पहले क्या करना है, फेसबुक पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग ऑलवेज शेयर टू फेसबुक स्टोरी, यहाँ पे आप जैसे इसको इनेबल कर देंगे तो आप लोग का जैसे आप अपना स्टेटस लगाएंगे व्हाट्सअप पे तो आप लोग का डायरेक्ट चल जाएगा फेसबुक पर। और आप लोग इसको ऑफ करना चाहें तो आप लोग ऑफ भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सेम प्रोसेस आप लोग का इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली से अभी इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद क्या करना है, मैं इसको बैक चलाता हूँ, फिर यहाँ पे अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। इस आप लोगों को मैं आप स्टोरी लगाता हूँ, जैसे आप सिंपली से अपडेट में आ गया मैं, यहाँ पे मैंने अपना कोई भी फोटो पहले मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली से वेट करिए आप लोग यहाँ पे। तो सिंपली से क्या, मैंने आप एक फोटो को अपना सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को जो आप दिख रहा है यू आर शेयरिंग टू फेसबुक यहाँ लिख रहा है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों को सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर देना है। अब जैसे मैंने इसको पोस्ट किया तो आप लोग का जो यहाँ पे जो स्टोरी आपके यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे आप जो आप लोग का स्टोरी यहाँ पे आप लोग फेसबुक का आइकन दिख रहा होगा, आप जो आपका स्टोरी वाला सॉरी जो स्टेटस आपका वो आप लोग फेसबुक की स्टोरी पे भी लग चुका होगा। मैं आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ, आप लोग बैक जाना है। अब मैं चलाता हूँ इसको मिनिमाइज करके अपने फेसबुक अकाउंट पर। तो सिंपली से मैंने अपना जो फेसबुक है उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने अभी अपना स्टोरी लगाया था वो यहाँ पे मेरा आ चुका है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने नया अपडेट बता दिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।